उत्तर प्रदेश में माफिया पर सरकार का शिकंजा लगातार कस रहा है और अब एक और माफिया राकेश यादव के अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चलाया गया। पुलिस प्रशासन को साथ लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने ये कार्रवाई की। संपत्ति की जांच कराने पर पता चला कि गुलरिहा के झुंगिया में राकेश यादव ने बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से निर्माण कराया। गैंगस्टर राकेश यादव पर गोरखपुर के अलावा संत कबीर नगर, महाराजगंज और आजमगढ़ जिले में हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, धमकी देने, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा व आर्म्स एक्ट के 52 केस दर्ज हैं। पुलिस का जब से शिकंजा कसना शुरू हुआ तो राकेश यादव ने 3 जून को अपनी जमानत रद्द कराई और वो जेल चला गया। ये DDA द्वारा ये कार्रवाई कराई जा रही है और यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। कितने मुकदमे दर्ज हैं राकेश यादव? इस पे 52 मुकदमे करीब दर्ज हैं।